वेलकम दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस YouTube के माध्यम के राही यहाँ पे बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ कि कौन सा, यहाँ पे एक देख सकते हो एक लेटर जो घूम रहा है काफ़ी समय से, पिछले 2-3 घंटे से कि एक लेटर आ रखा है कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया। यहाँ पे थोड़ा आपको वेबसाइट पर बता दूँ कि वेबसाइट पर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई, यहाँ पे कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अब जानकारी देने वाला हूँ उस लेटर के बारे में। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये वीडियो कि कौन सा ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, नया वाला है या पुराने वाला। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हो, पहले बता दूँ कि बहुत सारे बच्चों के पहले से ही टेलीग्राम पे कमेंट आ रहे हैं कि ये जो भर्ती है ये हुई नहीं है। तो बता दूँ, इसके भर्ती का भी लेटर आपको दिखाऊंगा, राजरीफ सेंटर जो 21 अगस्त से ये भर्ती हुई है। इस भर्ती के बाद बता दूँ कि जिनका फिजिकल हुआ है और मेडिकल हुआ है उनको एडमिट कार्ड की जो तारीख दी गई थी वो 14 तारीख से बताया गया कि आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो 31 अक्टूबर को होगा। यहाँ पे पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूँ क्योंकि ये लेटेस्ट भर्ती का है, जो पुराने पिछले 6 महीने या 1 साल से जो भर्ती नहीं हुई उसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ये लेटेस्ट भर्ती की आई है। तो हो सकता है ये जो भर्ती का अभी अभी भर्ती हुई है तो इसका एग्ज़ाम अभी ना करवाया जाए, क्योंकि हो सकता है जो अभी एग्ज़ाम पहले 1 साल से पेंडिंग है, 1 ईयर से पेंडिंग है, वो करवाया जाए। तो इसीलिए इसकी जो तारीख है आपको बता दिया गया है कि जो 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना था, एडमिट कार्ड मिलने थे, वो अब नहीं मिलेंगे। अब आपको जो तारीख मिलेगी वो www.joinindianarmy वेबसाइट पर मिलेगी। तो अब थोड़ा बता दूँ इसके बारे में, क्योंकि ये आपको पहले मैंने बता दिया कि ये भर्ती अभी हुई है, लेटेस्ट हुई है। इस भर्ती के बारे में भी आपको जानकारी दिखाता हूँ आपको ओरिजिनल लेटर इस भर्ती का। यहाँ पे देख सकते हो, ये राजरीफ सेंटर की जो राजपूतना राइफल रेजिमेंट सेंटर की जो भर्ती हुई थी 3 अगस्त से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे देख सकते हो 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ये भर्ती हुई है और इस पर यहाँ पे वो लेटर चिपका दिया गया वहाँ पे कि इस जो लेटेस्ट भर्ती हुई है इसकी अब जो एग्ज़ाम आपको दिया गया था, डेट दी गई थी वो 14 तारीख को दिया बताया गया था, अक्टूबर को आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, लेकिन इसको जो पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन एक और जानकारी दे दूँ कि नई जो पुरानी भर्ती हुई उसको अभी कोई भी एग्ज़ाम की पोस्टपोन जानकारी नहीं आई। हो सकता है मंडे तक आपको पूरी जानकारी, सभी एग्ज़ाम जो पोस्टपोन पुराने हुए हैं, जो 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से, उस पर आपको जानकारी जो मंडे को आपको क्लियर मिल जाएगी। और भी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर आपको सबसे लेटेस्ट जानकारी मिलेगी। तो बता दूँ कि ये भर्ती हुई ही है और ये लेटेस्ट भर्ती की जो जानकारी है वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, पुराने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम की जानकारी नहीं आई। तो कृपया अपनी तैयारी करते रहें, हो सकता है आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा लेकिन आप अपनी तैयारी ज़रूर करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।